राणा खेता सिंह, या फिर इनका नाम क्या है, क्षेत्र सिंह, राणा खेता सिंह या क्षेत्र सिंह। देखो भाई, इनका शासन काल है 1364 से 1382, ठीक है। इनके पिता का नाम, खेता सिंह के पिता का नाम राणा अमीर, इनका पिता कौन है, राणा अमीर, ठीक है। राणा अमीर का शासन काल 1326 से 1364, ठीक है। राणा अमीर का पुत्र कौन है, खेता सिंह या क्षेत्र सिंह, इनका शासनकाल है 1364 से 1382, ठीक है। तो इसने मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त कर, किसको परास्त किया इसने, मालवा के दिलावर खां गोरी को परास्त किया, ठीक है। इसको हराकर इसने मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन ये आता है बार बार में, मेवाड़ मालवा संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ, खेता सिंह के समय प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके दो दासी पुत्र थे जो आगे चलकर किसकी हत्या करेंगे, मोकल की, ठीक है, मोकल की हत्या करेंगे। उनका नाम है चाचा और मेरा, ठीक है। चाचा और मेरा किसके दासी पुत्र है भाई, खेता सिंह के दासी पुत्र है, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या है, इसके बाद शासक कौन बनेगा, ठीक है। पुत्र का नाम है राणा लाखा, क्या नाम है भाई, राणा लाखा, ठीक है, या फिर राणा लक्ष सिंह, क्या नाम है, लक्ष सिंह या लाखा, ठीक है, राणा लाखा। राणा लाखा का शासन काल है 1382 से 1421। पिता का नाम, राणा लाखा का पिता, अरे राणा लाखा का पिता क्या है, कौन है, खेता सिंह, कौन था, खेता सिंह। और खेता सिंह का शासन काल था 1364 से 1382, ठीक है। खेता सिंह के बाद में शासक बनता है राणा लाखा, कौन बनता है, राणा लाखा, राणा लाखा। देखो भाई, राणा लाखा का शासन काल है 1382 से 1421। इसके समय देखो, जावर, जावर क्षेत्र में चांदी की खान कहां मिली, जावर में चांदी की खान मिली, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या हुई भाई, मजबूत हुई, ठीक है। कहां मिली, जावर में चांदी की खान, चांदी निकली बनू, ठीक है, रंग चांदी चांदी होगी, कहेंगे राणा लाखा में, ठीक है। इसके समय पिछू नामक बंजारे ने अपने बैल की समृद्धि, ठीक है, कहेंगी समृद्धि में, बैल की याद में, ठीक है, बैल की समृद्धि में पिछोला झील का निर्माण करवाया, कौन सी झील का निर्माण करवाया, ठीक है। और पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम झील जिसके अंदर सौर संचालित नाव चलाएगी, कौन सी है, पिछोला झील, ठीक है। इसके आगे देखो, इसने नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाकर ध्वस्त किया, कारण क्या था भाई, ठीक है, अनुल्टो पंगो ले लियो, यानी तारागढ़ बूंदी जीतने के लिए प्रतिज्ञा ली, ठीक है। इसने तारागढ़ दुर्ग को, तारागढ़ बूंदी को जीतने की प्रतिज्ञा ली, ठीक है, परंतु यह जीत नहीं सका, ठीक है, कण राणा लाखा। जीत कौन सी क्यों लड़के करे भाई, आप प्रतिज्ञा ले ली, जितना ही मैं जीतू नहीं, इतने मैं खानो पीणो की कौन करूँ, रोटी कौन खाऊ, पानी कौन पीऊँ, आक्रमण कर दियो, जीत कौन सी क्यों, बैठे मुँह तारे भूख लाग रही, तो देखा सारा देखियो मर रहे हो, भूखो मरे हो, फिर मैं कोई इलाज बतायो, कोई रास्ता निकालो, बीच को सो कहीं काम करेंगे, प्रतिज्ञा ही रह जा, अरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रतिज्ञा रहने खातर के नकली दुर्ग बनवाया, ठीक है, इसने नकली दुर्ग बनवाया, सारागढ़ दुर्ग बनवाया, ठीक है। और कुंभगढ़ हाड़ा या फिर कुंभ हाड़ा, ठीक है, इस नकली दुर्ग को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है, कौन है, कुंभकर्ण हाड़ा या फिर हाड़ा कुंभा। इसके बाद देखो, इसके दरबारी विद्वान कौन है, एक तो है झोटिंग भट्ट और दूसरा है धनेश्वर भट्ट, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, दो पुत्र हैं, एक का नाम तो है कुंवर चूड़ा और दूसरे का नाम है मोकल, ठीक है। और पत्नी का नाम भी हस्सा भाई, राणा लाखा की पत्नी का नाम हस्सा भाई, पत्नी देखो किया बढ़िया, और राणा राव
राव चूड़ा। मंडोर को शासक कौन है? मारवाड़ को शासक कौन है? राव चूड़ा। देखे दो बेटा है, एक को नाम जो है राव काना और दूसरे को नाम क्या है? राव रणमल। अब रणमल का एक बहन है, वह बहन को नाम है हंसा भाई। क्या नाम है? हंसा भाई नाम है। वो आप बड़े बेटे शासक कौन बना? वो रानी के चक्कर में, ठीक है, मैं रानी के दबाव में आ गई, कैन शासक बना दे? कान ने बना दे। एन कान को तो नाराज होना ही हो, योग्य हो बड्डो, ठीक है। तो वो पूछ गए घटा गयो को मेवाड़ आ गयो, मेवाड़ को समकालीन शासक कौन हो? राणा लखाओ। वो दरबार में आयो, आपकी बहन ने लेके रिश्तो कै खातर ले गया, ए कुंवर चूड़ा खातर ले गया हंसा भाई को रिश्तो। कौन ले गया भाई? रणमल ले गया, ठीक है। राणा लखाओ दरबार चालन लाग रही है, क्या वो दरबार चाल है? लाखा वो अब गेट ले आगे खड़े कर, ठीक है, गेट कीपर बन आगे। और रणमल बोलियो दराजन बोल मरवड़ को आए कुंवर रणमल आ रहे, ठीक है, आपकी बहन है हंसा भाई को रिश्तो लेके क्या खातर है? कुंवर चूड़ा खातर ले गए है। बड़े गेट कीपर के करवा दस बद खा के बीच में बड़े थोड़ा सा गेट खोल के हिलो मारे वहां क्या ये रिश्तो आए हुए वो ऊपर बैठे बैठो क्या ए उम्र में मेरे खातर कौन ले आए हुए मन में लड्डू फूटे फिर, ठीक है, अण मजाक करी, ठीक है, एमो जी बोल मेरे ही मन करे मेरे खातर आए हुए गेट मजाक करी के तेरा मन करे। तो वो बहुत ही चलाक ओकड़ रामल बड़ा बैंक टाइम दिमाग लगा के वो फंस गयो बेटो और जो मजाक कौन करे वो और हाथ ऊंचो कर दियो हाथ तेरी खातर ले गए वो रिश्तों को, ठीक है, फसाने का चक्रम। पर मेरी शर्त है कि मैं मेरी बहन हंसा भाई को ब्याह तेरे साथ कर दियो, पर मेरी एक शर्त है कि जगह की औलाद होगी नहीं या मैं बेटो हो कोई के बनाऊ राजा बनाऊ तो फंस गयो वो तो खटासी साल हो और खटे पास 16-17 साल ही कद तो मेरा बेटो हुआ कद वो राजा बने, ठीक है। तो पिछहत्तर 17 साल के जा रहे हो 17 के घर में तो राजा बनना तो हो रहे हो 25-30 साल में कुंवर चूड़ा हो रहे हो राजा बनने तो टेम आ रहे हो कहो और राणा लखा मुंह कान देखे तो बेटा दरबार चलने लग रहे फंस गयो और कुंवर चूड़ा बैन टेम प्रतिज्ञा लिया बात, ठीक है, आपके बाप की मतलब शान बताने खातर बात रखने खातर नहीं मजाक उड़ा सारे दरबार में सारा राजा बैठा चलने लग रही और हाथ ऊंचो कर दियो कह मेरे तो देखी जाएगी, ठीक है, तू तो तेरी बहन है मेरे बाप ने दे, ठीक है, यानी तू तो ब्याह करवा मेरी बहन हो कैसा है तेरी बहन हो मेरे बाप साहब होना तो है खुद सको ओ विषम प्रति कह रहे बेटे कह मैं आजीवन के कौन करूं ब्याह कौन करूं, ठीक है, नहीं कोई शासन आ रो राज शासन आ रो ईशो कोई लोभ लालच रखी इसी विषम प्रति कह रहे कौन ओ कुंवर चूड़ा एंग गाने कुंवर चूड़ा के जे मेवाड़ को विषम पितामा कह जे के जे अभी विषम पितामा कह जे और के कह जे आपका बाप की लाज राखी को राखी इज्जत राखी एंग गाने के जे मेवाड़ को राम कह जे, ठीक है, कुंवर चूड़ा कह जे, ठीक है। आ बात हुई अब शादी कहीं हो जाए अभी और राणा लाखा की और अस्सा भाई की शादी हो जाए आगे एक बेटा हुआ पुत्र हो के नाम है भाई मोकल राणा मोकल। तो राणा लाखा के बाद शासक कौन बनेगा? राणा मोकल बनेगा, ठीक है। ये हंसा भाई क्या करती है पहले तो इसको निकाल देती है किसको कुंवर चूड़ा को, ठीक है, और बाद में ये रणमल अटैक करता है ना दोबारा इसको मारने की कोशिश करता है किसको मोकल को फिर इसको बुलाती है कुंवर चूड़ा को। तो पहले तो ये कहां चला जाता है अभी मांडू चला जाता है, ठीक है, कहां चला जाता है मांडू, ठीक है, बाद में हंसा भाई दोबारा बुला, ठीक है। ये राणा लाखा और देखो अभी इसने बदनोर पर विजय प्राप्त की, कहां विजय प्राप्त की राणा लाखा ने? राणा लाखा द्वारा बदनोर पर विजय प्राप्त की द्वारा बदनोर पर विजय प्राप्त की गई विजय प्राप्त एक बार दोबारा रिपीट करो राणा लाखा का शासनकाल
1382 से 1421 जावर में इसके समय चांदी की खान निकली, इससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, ठीक है, मजबूत हुई। इसके समय पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसके किनारे गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। इसने नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाकर ध्वस्त किया प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, और कुंभकर्ण हाड़ारे इस दुर्ग को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इसके दरबारी विद्वान है झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। इसकी पत्नी का नाम है हसाबाई, ठीक है, मारवाड़ के राव रणमल की बहन और राव चूड़ा की बेटी, ठीक है। पुत्रों का नाम है, एक का नाम है कुंवर चूड़ा, दूसरे का नाम है मोकल। कुंवर चूड़ा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह और राम कहा जाता है, ठीक है, कहाँ का, मेवाड़ का। राणा लाखा ने बदलोर पर विजय प्राप्त की, यह राणा लाखा कंप्लीट।